प्यारा मित्र, पाप दुखा सहने उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे बात कितना जन्म भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे जो हम सब ले जाके प्रभु को बतावेंगे। ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होंगे। आज जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाएगा वो हमारे गुदे गुदे को छीनने वाला वचन होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां दो या तीन यीशु के नाम से उपस्थित होते हैं वहां पर स्वयं यीशु मसीह उपस्थित होता है। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते तो यहाँ पर उपस्थित है और अपनी उपस्थिति में बैठा रहा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या परीक्षा में हम पड़े हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही बदल दे उसके कान में सबता, सच्चा मित्र ऐसा कौन है संभाले सब निर्बलता वही जाता, उसके कान में सबदा क्या हम दब दे बारी बोझ से बल भी जाता सब रहा, सबता क्या अनाथ और मित्रहीन उसके कान में सबता अपनी गोद में वा उठाके शांति तुझे देवेगा, ये सु क्या ही प्यारा मित्र पाप दुखा सहने उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे बात कितना चैन भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे जो बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। ग्लोरी लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताएंगे। आज हम पिता परमेश्वर यहाँ पर तेरी महिमा करने के लिए खतरे थे परमेश्वर, प्रभु तेरी अनुग्रह हुई प्रभु कि हम इस स्थान में तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम तेरी जय जयकार, हम चाहते हैं प्रभु कि तू यहाँ अपनी उपस्थिति को दिखा परमेश्वर, प्रभु हम सबों को अपनी उपस्थिति में भर दे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, क्योंकि बिना तेरी उपस्थिति के हम कुछ नहीं है प्रभु, ये प्रार्थना सभा असंभव है बिना तेरी उपस्थिति के प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, जितने आए हैं परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना, अपनी महिमा से भर देना पिता। जब इस घड़ी हम तेरे वचनों में से देखते हैं पिता, तू सहायता करना प्रभु, अपनी महिमा से भर देना, हर एक को ब्लेस करना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सभी का अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। परमेश्वर पिता का हम बहुत धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने
सो परमेश्वर आज दिन भर परमेश्वर हमें संभाल के रखा, अपनी उपस्थिति में रखा। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी उपस्थिति में हमें बैठाया। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अर्मु हाउसिंग कॉलोनी के भी लोग दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग जब आए थे यहाँ पर भी सभी लोग दिख रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि जैसा हम आपको डेट दिए थे उस डेट पे हम लोग नहीं आ पाए, क्योंकि हम लोग पहला सप्ताह हम लोग पूरा शादी में बिजी थे, और शादी में जाने के कारण हम लोग जितना जगह दिए थे सबको हम लोग एक सप्ताह डेट आगे कर दिए थे। सो मुझे क्षमा करिएगा कि यदि हम समय के अनुसार जो डेट आपको दिए थे आपके घर में नहीं पहुंच पाए। 9 तारीख को आप लोग या हर्म हाउसिंग कॉलोनी में था, हम लोग वहां पर नहीं आ पाए। 2 तारीख को हम लोग इसी स्थान में दिए थे लेकिन नहीं आ पाए। सो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन अन्य आने वाले समय में मैं जरूर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करूंगा, और आपके घर में जैसा हम लोग मंथली प्रेयर करने का विचार किए वो आपका रेगुलर होगा। सो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातों के लिए। सो आइए आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे थोड़ी देर। सो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो बात को वचन में लिखता है उसको क्या करता है, पूरा भी करता है। परमेश्वर का ऐसा नहीं है वचन कि जो बात बाइबल में दी गई है वो पूरा ना हो। हर एक वचन परमेश्वर का क्या होता है, पूरा होता है, पूरा होता है परमेश्वर का वचन। सो इस घड़ी हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 पद, सबसे फेवरेट मेरा वचन है, उसको हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 20 पद, यदि किसी को मिलता है आप पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 20 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगों को विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, या देखकर संसार जो है बहुत खुश होगा, आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा परंतु हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परंतु चिंता मत करिए, हमारा शोक क्या में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हमारा जो शोक है, हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। आज हम लोग दुख में, संसार क्या कर रहा है, आनंद मना, अरे उसका घर में ऐसा है वैसा है, अरे वो मसीह ग्रहण किया तकलीफ ही तकलीफ है, वो आनंद मना रहा है, मेरा घर देखो मेरा घर सबसे अच्छा है, लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन उनका आनंद ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। हम लोग अभी शोक मना रहे, रो रहे हैं कि मेरा परिवार नहीं बदला है, मेरे घर में प्रभु की महिमा नहीं होती है, हम लोग कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन का ये कष्ट नहीं है क्योंकि यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया, और जब यीशु मसीह हम और आपके जीवन में, हम और आपके घर में आ जाएगा, आपका जितना भी शोक है, दुख है, गम है, सब आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, तो परमेश्वर इस तरह अद्भुत काम करता है, वो पहले भी काम करता था और आज भी क्या कर रहा है, कर रहा है हमारे जीवन में काम को। कुछ बात को हम लोग उसी में देखेंगे कि लुका उसका 8 अध्याय उसका 49-56 पद तक, याईर के घर के विषय में देखेंगे। लुका उसका 8 अध्याय 49-56 पद तक, यहां पर याईर के घर में 12 वर्ष की इकलौती बेटी, जो याईर की इकलौती पुत्र थी 12 वर्ष की, ठीक से वो जवानी का दर्शन को नहीं देख पाई, ठीक से वो अपने एज को भी पार नहीं कर पाई, और 12 वर्ष की उम्र में ही वो क्या हो गई, मर गई। 12 वर्ष वो ठीक से दुनिया को भी अभी नहीं देख पाई होगी, ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाई होगी, ठीक से कुछ काम भी नहीं कर पाई होगी। घर में उसके माता पिता बहुत सपने देखे होंगे कि मेरी बेटी आगे बढ़कर ये करेगी वो करेगी, लेकिन क्या हो गया, 12 वर्ष की उम्र में ही याईर की इकलौती पुत्र, दो होता तो चलता कि छोड़ो कोई ये चली गई तो कम से कम दूसरा पुत्र तो है, लेकिन इकलौती पुत्र, आप सोच सकते इकलौता पुत्र अगर चला जाए तो कितना दुख होगा। वो 12 वर्ष की याईर की बेटी मर गई, बहुत दुख, याईर बहुत रोया याईर कि मेरी इकलौती पुत्र चली गई। तब क्या होता है, पढ़िए लुका उसका 8 अध्याय उसका 49-56 पद तक। वह यह कह ही रहा था कि किसी आराधनालय से सरदार के यहाँ आकर कहा, तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई है। यहाँ पर याईर जो है उससे पहले पढ़िएगा तो याईर किसके पास जा रहा है, यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि याईर को मालूम था कि यीशु मसीह उसको ठीक कर सकता है। लेकिन ये यहां पर बीच में एक पॉइंट आता है कि वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आकर बताया कि तेरी पुत्र क्या हो गई है, मर गई। इसका मतलब उससे पहले उसमें कुछ सांस था, इसलिए
लेकिन अगर वो मर गई थी तो याइर को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी इकलौती पुत्र मर गई है। ऐसी होता कोई ऐसा अपना प्रेमी कोई मर जाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये मर गए। यहां पर याइर को विश्वास नहीं हो रहा, उसकी बेटी मर गई है, 12 वर्ष की बेटी। याइर को विश्वास नहीं हो रहा, वो तुरंत दौड़ कर गया यीशु मसीह के पास और कहा, प्रभु सी मेरी बेटी मरने पर है, तू चल मेरी बेटी को तू जिंदा कर सकता है। वो विश्वास कर रहा है, उस समय वो रो रहा है, वो शोक मना रहा है, बहुत खुश। यीशु मसीह देखा, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि अरे उसका घर में मर गया, लेकिन वैसा वहां पर नहीं हुआ। आज कई बार वो कोई मर जाता है तो बहुत लोग खुश होते कि ऐसे झंझट था, वो चला गया। लेकिन उस समय पूरा गांव उस बच्ची के कारण क्या मना रहा था, शोक मना रहा था। याइर सबसे ज्यादा रो रहा है क्योंकि उसके एकलौती पुत्र है, और यीशु मसीह के सामने में रोने लगा कि प्रभु जी मेरी बेटी मर गई है, चलिए उसको देखने चलिए। उसको विश्वास था कि यीशु मसीह इसको मुर्दों में से क्या कर सकता है, जिला सकता है। उसको विश्वास था, इसलिए बड़ी आगे गुरु को दुख ना दे। तो गुरु को दुख ना दे, ये तो बेटी तेरी बेटी मर गई है, तुमको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, ये तेरी बेटी मर गई है, तू गुरु को क्यों यहां पर लेके आया, गुरु को दुख देने के लिए तू क्यों यहां पर लेके आया, इतना कष्ट उठाने के लिए गुरु को क्यों यहां पर लेके आया, यीशु मसीह को क्यों लाया, लोग बोल रहे हैं। तब यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु मसीह यह सुनकर उसको उत्तर देता है, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। वह बच जाएगी, हालेलुया। सब मनुष्य असंभव समझ रहे हैं कि सबको ये तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह एक ही बात को बोलता है, मत डर, केवल क्या रख, विश्वास। कुछ भी चाहिए आपको, डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे बहुत झंझट है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम और आपको सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। विश्वास रखिएगा तो सब असंभव काम संभव हो जाएगा। हालेलुया, विश्वास के थ्रू ही यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला सकता है। बस आप विश्वास करिए, कोई भी बीमार है उसके लिए यीशु मसीह के नाम से क्लेम करके प्रार्थना करिए, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। मैं कल एक वीडियो को देख रहा था और देखिए कि 5 साल से लकवा मारा हुआ एक आदमी, वो उसको लेके आया, एक आराधना हो रही थी निगारिया में, और वहां पर पास्टर कृष्णा में एक पास्टर है, बहुत फेमस पास्टर वहां के, और लाखों की संख्या में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। मैं यूट्यूब में ऐसी वीडियो को देख रहा था और जब देखा तो उसको आराधना के बीच में ही खाट में लेटाकर उसको लेके आया गया था। उसका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर, हाथ बस छाती में है, वह हिलता भी नहीं है, बस मुंह चलता है, बाकी पूरा शरीर लकवा से पैरालाइज हो गया है, खत्म हो गया है, हाथ तक नहीं ला सकता है, बस मुंह चला सकता है। ऐसा बीमार व्यक्ति को लोग आराधना के बीच में लेके आए, यही आज से कि यीशु मसीह इसको ठीक कर देगा। मैं देख ही रहा था और देखने के दौरान उसको मीटिंग के बीच में लेके आए। कई बार होता है मरीज को लेके आते हैं, हम लोग प्रार्थना कर देते हैं, उसके बाद लेकर चले जाते हैं कि वो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन के बाद, परमेश्वर विश्वास करके ठीक हो जाएगा, हम लोग बस इतना बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस समय नहीं देखते कि उस समय तुरंत उसको चंगाई मिला कि नहीं मिला, हम लोग को यह मालूम नहीं चलता है। लेकिन सबके सामने साक्षात रूप में उस व्यक्ति को खाट में लेटाकर सामने लाया गया, और पास्टर क्रिस उसको छू भी नहीं रहा, लेकिन दूर से उसके ऊपर से यहां पर लेटा के उसके ऊपर से अपने हाथ को बार बार इधर से उधर कर रहा, पूरे शरीर को। अब वो बस लेटे हुए हैं, अब फिर थोड़ा दूर गया, अब वो फिर डांस करते करते उसके पास आए, उसके बाद पूरा हाथ को ऐसा किया, और जो 5 साल से लकवा मारा व्यक्ति जो हाथ तक हिला नहीं सकता है, जैसे अपने हाथ को पास्टर क्रिस ऐसा किया, तुरंत वो यीशु के नाम से खड़ा हो गया। हालेलुया, और अपने खाट को उठाया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हर एक मुर्दे क्या हो जाएंगे, जिंदे हो जाएंगे, हर बीमारी भागेगी, स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जो श्रेष्ठ हो, सिर्फ यीशु मसीह का नाम दिया गया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा तो हर एक चीज आपको मिलेगा। आप जो मांगिए बस कहिए, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से ये चीज को मांगता। यीशु मसीह स्वयं कहा है कि मेरे नाम से मांगो, मेरा पिता मेरे ही नाम से तुम्हें क्या करेगा, देगा। सो यीशु मसीह के नाम से जो चीज चाहिए, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए,
आप पढ़ाई करें यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करके पढ़ाई करिए, कुछ भी काम करें, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम लीजिए, आपको हर एक काम सक्सेस होगा, असंभव संभव में बदल जाएगा। सो याईर के घर में ये उसका 12 वर्ष की इकलौती बेटी मर गई, तो याईर बहुत दुख हुआ। अब लोग आके कहने लगे कि गुरु को क्यों लाया, वो तो मर गई है, गुरु को क्यों तुम देने के लिए यहां पर लेकर आया, दिखाने के लिए लाया। लोग यहां पर समझ नहीं रहे, लेकिन यीशु मसीह बोला मत डर, केवल विश्वास रख। याईर तुम मत रो, तुम शोक में मत रहो, तुम क्यों रो रहा है, तेरे परिजन क्यों रो रहे हैं, मत रो, केवल विश्वास रखो, मत डरो। अगर तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी। हालेलुया। आगे क्या होता है पढ़िए। घर में आकर उसने पतरस, यहूना, याकूब और उसकी लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। यहाँ पर घर में सिर्फ यीशु मसीह अपने चेलों को लिए और उसके माता पिता को लिए और किसी को अंदर आने नहीं दिए, क्योंकि सब कोई बाहर में क्या कर रहे। आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा, पढ़िए। सब उसके लिए रो पीट रहे थे। बाहर में जो है, दरवाजा के बाहर निकलिएगा तो सब रो रहे पीट रहे कि हाय याईर की 12 वर्ष की इकलौती बेटी मर गई, बहुत रो रहे सब कोई। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आए, उनको मालूम नहीं है कि जो मनुष्य वहां पर आया है वो सामर्थी है, वो राजाओं का राजा, शंभू सृष्टि करता, परमेश्वर प्रभु का इकलौता पुत्र है जो यहाँ पर आया है, उसके घर में उद्धार आने आया है। क्योंकि यीशु मसीह जहां आता है वहां उद्धार होता है। सो वहां पर दरवाजे के बाहर सब रो रहे हैं, सिर्फ यीशु मसीह उसके माता पिता और अपने चेलों को अंदर लेके आया, तब क्या होता है। परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। यहां पर ऐसा बात बोल दिया यीशु मसीह कि सब लोग यीशु मसीह को पागल ही बोलेंगे, ये पागल हो गया यीशु मसीह बोलेंगे। अरे हम लोग इतना चेक किए, वो तो मर गई है, लेकिन ये कैसा मनुष्य है, इसको समझ नहीं आता कि ये मर गई है लेकिन ये जिंदा है, इसको बता रहा है, वो सो रही बता रहा, क्या हम लोग बेवकूफ है। अब इतना बार उसका हाथ को पकड़े, उसका गला को देखे, सांस देखे, वो चल ही नहीं रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह कहां से आकर बोलने लगा कि ये सो रही है। पागल लोग समझ रहे होंगे यीशु मसीह को, वहां पर हंस रहे होंगे यीशु मसीह के ऊपर में कि जानता नहीं कि मर गई है। लेकिन यीशु मसीह से बोला मत डर, केवल विश्वास रख बोला। यही चीज आज हमारे आपको करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास रखना है कि यीशु मसीह इसको जीवित करेगा, यीशु मसीह हर बीमारी को दूर करेगा, बस विश्वास रखिए यीशु मसीह के ऊपर में, तब क्या होता। आगे पढ़िए। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। मैं बोला कि वो पागल समझ रहे थे, हंस रहे थे कि ये मर गई है, लेकिन यीशु मसीह फालतू का इसको जिंदा साबित करना चाह रहा है, जिंदा बता रहा है, ये पागल हो गया है, और लोग उसका हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं यीशु मसीह का। तब परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए। हालेलुया। वो 12 वर्ष की इकलौती पुत्र याईर की, वो जो मर गई थी, यीशु मसीह साधारण से उसका हाथ को पकड़ा और बोला हे लड़की तू उठ। और इतना सामर्थी परमेश्वर है यीशु मसीह, इतना सामर्थी है कि जैसे बोला हे लड़की उठ, तुरंत उसका प्राण उसके शरीर में आ गया और वो तुरंत जीवित हो गई। हालेलुया। हर असंभव काम संभव में बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति याईर के सामने आई थी, यीशु मसीह की उपस्थिति उसके घर में आई थी, यीशु मसीह की उपस्थिति याईर के जीवन में आ गई, जिसके कारण एक लौती पुत्र मरी हुई थी वो जिंदा हो गई। हमारे लिए कोई काम असंभव अब नहीं है, एक ही नाम लीजिए, हर असंभव काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए केवल विश्वास है। मेरा मकसद ये वचन बताने का है कि याईर के घर में क्या था, शोक था। परमेश्वर जो वचन को बोला तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ये बोला याईर, क्या क्या विश्वास रखा यीशु मसीह के पास, इसलिए यीशु मसीह को बुलाने गया और बुलाया। जब वह शोक में था, लेकिन यीशु मसीह का वहां पर वचन पूरा हो रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब याईर की इकलौती पुत्र जो मर गई थी, याईर रो रहा था, और जब जिंदा हो गई तो याईर का शोक क्या में बदल गया, आनंद में बदल गया। हालेलुया। सो परमेश्वर इसी तरह
हम और आप आज रो रहे हैं कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरे बाल बच्चे के अंदर भी ये बीमारी है, वो बीमारी है, तकलीफ में कैसे होगा क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करिए, आपका शोक तुरंत आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरह हम और आपसे बात करना चाहता है। हम और आपको केवल विश्वास रखना है और किसी कुछ काम करने की दरकार नहीं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए, सब असंभव काम संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। और एक बात को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 1-8 पढ़िए। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 1-8। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया, और यीशु मसीह यरूशलेम पर गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके पांच ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, हाँ, हर एक रोगी व्यक्ति लोग पानी को हिलाने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आगे वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बस यहाँ पर इतना अद्भुत काम हो रहा है। ये 38 वर्ष से कोढ़ का रोग में बीमार व्यक्ति है, ढंग से चल नहीं सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता है, धीरे धीरे चलता है। 5 ओसारे थे 5 कुंड थे, वहां पर नियुक्त समय होता था, जैसे हम लोग 6:30 बजे आराधना करते, वैसे वहां पर कुछ ऐसा समय था, नियुक्त समय, और नियुक्त समय में जितने रोगी उस कुंड में उतरते थे, और जब पानी स्वर्गदूत लोग आते थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत, और पानी को जब हिलाते थे, तुरंत जितने रोगी वहां पर गए हैं, डूबे हैं, सब क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह जब वहां से पार हो रहा था, तब देखा एक कोढ़ी व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार है, 38 वर्ष से कोढ़ के रोग में है। तब वह बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह एक ही बात बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलने लगा कि प्रभु जी, मैं तो कोशिश करता हूं चंगाई पाने का, इसलिए मैं हमेशा कुंड में उतरने के लिए जाना तो चाहता हूं, और जाते जाते मुझको कोई तो उठाने वाला नहीं है कि तुरंत मुझको ले जाए, मैं अपने सहारे से जाता हूं, तो जब तक मैं वहां पर पहुंचू तब तक दूसरा पहुंच जाता है, और सदूत हिला के भी चले जाते हैं, और वे लोग चंगाई पाते हैं, और मैं देखता रह जाता, मैं समय पर नहीं पहुंच पाता, मैं क्या करूं? फिर यीशु मसीह बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कोढ़ी व्यक्ति बोलता है, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। विश्वास रख, तू चंगा हो जाएगा। और सच में यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह ने उसके ऊपर में हाथ रखा, और वो जो कोढ़ी 38 वर्ष से कोढ़ के रोग में था, वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं उस सारी में डूब जाऊं, उस कुंड में जाऊं, लेकिन कुंड में जाने से पहले ही यीशु मसीह उसको क्या कर लिया? चंगाई दे दिया। हालेलुया। अब उसको वहां जाने का दरकार नहीं है। आज हमारा को यही करना है, विश्वास करना है। ये जो इस वचन को भी बताने का ही मकसद था कि 38 वर्ष उसके अंदर में क्या था? शोक था। यही शोक था कि मैं इस तरह का बीमार व्यक्ति हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। शोक था, तकलीफ था उसके अंदर में, दुख था। लेकिन जब यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो गया तो उसका शोक तुरंत आनंद में बदल गया। हालेलुया। सो यीशु मसीह से आपका मुलाकात हो जाएगा, तुरंत आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। अंतिम वचन को हम लोग देख के खत्म करेंगे। कई बार ऐसा होता है हम लोग पास में कि हम लोग यीशु मसीह से चंगाई तो पाते हैं, लेकिन हम लोग वापस लौट जाते हैं, विश्वास नहीं रहने के कारण। निकालिए लुका उसका 17 अध्याय उसका 11-19 तक 10 कोढ़ी के विषय में यहां पर है। लुका उसका 17 अध्याय उसका 11-19 तक, यहां पर यीशु मसीह के सामने में कितने कोढ़ी आए थे? 10 कोढ़ी आए थे।
दस कोड़ी आई यीशु मसीह के पास, और दस कोड़ी जब आई यीशु मसीह के पास तो यहां पर ऐसा हुआ कि सब लोग चंगाई पाने के आस से आए थे कि प्रभु तू मेरे ऊपर में हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाएगा। दस लोग आए वहां पर यीशु मसीह के पास, और जब दस लोग आए यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह दसों को देखा और दसों को बोला कि तुम लोग अब जाओ और अपने याजकों से प्रार्थना कराओ, अपने पास्टरों से प्रार्थना कराओ, अपने फादर सेवक बिशप जो है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उसके पास जाकर प्रार्थना कराओ। बहुत दुखी लगा ये लोगों, बहुत शोक में चले गए ये दस लोग। ये लोग सोचने लगे कि ये कैसा प्रभु है, इसके पास हम आए कि यीशु मसीह मेरे ऊपर में हाथ रखेगा और मुझको चंगाई दे देगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो मुझको भेज रहा है, मैं इतना आस के साथ आया हूं कि प्रभु मुझको चंगाई देगा, लेकिन ये उल्टा हमको भेजता है याजक के पास, पास्टर के पास। बहुत दुखी लगा उन लोगों के, इतना आशा के साथ यीशु मसीह के पास आए लेकिन यीशु मसीह हमको उल्टा भगा रहा है, जाने को बोलता है। दुख तो लगा लेकिन ये लोग बोले कि छोड़ो, कम से कम यीशु मसीह बोला है मैं चला जाता हूं। और जब ये लोग जा रहे थे यीशु मसीह क्या क्या कहने अनुसार दुखी से जा रहे थे कि यीशु मसीह मेरे ऊपर में हाथ नहीं रखा, मुझको चंगाई नहीं दिया बोल के लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं याजक के पास जाने लगे। जब जा रहे हैं जितना अद्भुत काम हुआ, जाते जाते जितने दस कोड़ी थे सब लोग चंगाई पाए, हालेलुया, सबका कोढ़ का रोग खत्म हो गया। क्यों हुआ कोढ़ का रोग खत्म हुआ? क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा मुलाकात किससे हो गया था, यीशु मसीह से हो गया था, लेकिन यही बात दस कोड़ी नहीं समझ पाए, इसलिए दुख के साथ गुस्सा के साथ कि यीशु मसीह मेरे ऊपर में हाथ नहीं रखा, मुझको चंगाई नहीं दिया, उल्टा मुझको भेज दिया याजक के पास, फालतू का मैं गया था यीशु मसीह के पास, पहले ही मैं उधर याजक के पास चला जाता, ये सोच सोच के ये लोग जा रहे हैं। लेकिन हर एक रोगी क्या हो गए, चंगाई पाए, जब जाते जाते रास्ते में चंगाई मिल गया उनको। फिर ऐसा हुआ कि दस में से एक कोड़ी आता है यीशु मसीह के पास दौड़ते दौड़ते, हे प्रभु हमने तो सोचा था कि तूने मेरे ऊपर में हाथ रखेगा लेकिन तूने नहीं रखा, उल्टा भेज दिया, मैं दुखी के साथ जा रहा था, गुस्सा के साथ जा रहा था कि आप मुझे चंगाई नहीं दिए, लेकिन प्रभु तू सामर्थी है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं रास्ते पे जा ही रहा था कि अचानक मुझ में सामर्थ आई और मेरा सारा कोढ़ का रोग खत्म हो गया, हालेलुया। तब यीशु मसीह एक ही बात बोला कि तुम अकेले क्यों आए हो मेरे पास, क्या मैंने उस नौ लोगों को जो नहीं आए उनको चंगाई नहीं दिया, मैं तो दसों को चंगाई दिया लेकिन मात्र एक व्यक्ति तुम ही मेरे पास मुझे धन्यवाद देने के लिए आ रहे हो, बस तुम आ रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला कि मुझको पता नहीं, वो सब कोई अपने अपने मार्ग में चले गए। कई बार यही होता है, हम सिर्फ चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगाई मिलता है हम लोग वापस लौट जाते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो एक चेतावनी परमेश्वर हमारा आपको देना चाहता है, उसको पढ़िए यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 पद को। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आए हैं लेकिन हम जब हमें सब कुछ यीशु मसीह दिया और जब हम वापस लौट जाते हैं तो एक चेतावनी देता है, 5 अध्याय यूहन्ना उसका 14 पद को पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा देख तू चंगा हो गया है फिर से पाप ना करना ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हम यीशु मसीह हमको सब कुछ दे दिया लेकिन हम वापस लौट गए, चंगाई मिल गया, वापस लौट गए, तो वचन कहता है कि इससे दुगनी रीति से विपत्ति आ जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम पर दुगनी रीति से विपत्ति आ जाए। इसलिए हम और आप को जब परमेश्वर छूता है, चंगाई देता है या किस चीज को देता है, हम यीशु मसीह पे ही आगे बढ़े। यीशु मसीह के पास जाने के लिए हम तैयार हुए तो यीशु मसीह के पास ही जाए, अन्यथा अगर हम अपना दूसरा मार्ग अपनाएंगे तो इससे भयानक रीति में आप विपत्ति में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये चेतावनी है यीशु मसीह दिया। सो हमारा आपको विश्वास करना है। सो आइए इस खड़े में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ जीसस,
परमेश्वर तू अद्भुत है। आज यहाँ पर आप विभिन्न आवश्यकताओं के साथ यहाँ पर आए होंगे और हमें देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जब यीशु मसीह से आपका मुलाकात हो जाएगा, आपका हर एक शोक आनंद में बदल जाएगा। केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। हम और आपको दूसरा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह मेरे इस दुख को, वो मेरे इस शोक को आनंद में बदल देगा। बस ये आपको विश्वास रखना है। तू विश्वास योग्य है परमेश्वर, जो तू कहता है उसे पूरा करता है। पूरी बाबा 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 हर एक कोई प्रार्थना करे परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा करे। यदि आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर, यदि आपके अंदर में दुख है, शोक है, इसी और यीशु मसीह आप आनंद वो आपके शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। क्योंकि ये ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा से ये सब होगा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मेरे पास आ, मुझे ब्लेस कर, हमारे शोक को आनंद में बदल दे। तेरे शरण में आना चाहते हम, इस घड़ी एक नया काम कर, हमारे बीच में एक नया काम कर, हमें अपनी पद्धति से यीशु के नाम से तू भर दे। हालेलुया, हम विश्वास करते इस जगह में काम कर रहा है, हर एक के अंदर में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ यीशु,
यीशु आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार हम बड़ाई करते हम तेरी जय जय करते हम तेरी महिमा करते हम स्तुति करते तेरा धन्यवाद करते करेंगे तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद अपनी उपस्थिति में बैठा है प्रभु तेरा धन्यवाद थैंक यू जीसस यहाँ पर कोई बीमार है परमेश्वर प्रभु उसे यीशु के नाम से मैं चंगाई होने के पिता परमेश्वर घोषणा करता हूँ कोई बीमार है उसे तू चंगाई दे यहाँ पर पिता परमेश्वर कोई तकलीफ में प्रभु उन्हें हर तमाम तकलीफ से यीशु के नाम से छुटकारा देना हर एक को ब्लेस कर देना पिता परमेश्वर हर तरह बीमारी हर तरह डायनामिक हर तरह शैतान का ताकत इसी घड़ी हर एक को छोड़कर यीशु के नाम से चला जाए हर से मेरे बाबा तेरी महिमा तेरा आनंद तेरी शान प्रभु यहाँ पर प्रकट होने पाए और हम हर एक का सो यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु तेरा धन्यवाद यीशु हमारे बीच में तूने काम किया तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया।